हेलो स्टूडेंट, आई एम सत्य प्रकाश वर्मा फ्रॉम गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल अनसर बादशाह पाबलिया। आई टीच यू मैथ फ्रॉम क्लास 7 एंड चैप्टर 2। चैप्टर नेम इज फ्रैक्शन नंबर, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद से हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो दिया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंटेड ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। यानी कि ए प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंटेड ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर, जो क्या होता है, एक होल नंबर का एक भाग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 2/3, यानी कि इसमें क्या होता है 2/3, यानी इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और उसी तरह दूसरा नंबर दिया है इम प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। यह भी होल नंबर का क्या है, कॉम्बिनेशन ही है, जैसे एंड और ए प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह। किस तरह, एक प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह। जैसे एग्जांपल में इसका क्या किया गया था, इसका 2/3, यानी कि इसका था, इसका न्यूमरेटर क्या होता था, छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा होता था। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब हर क्या होता है, हमारा छोटा होता है और अंश बड़ा होता है। और जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर क्या होता है बाबू, छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और अगला है मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स मतलब मिलावट, यानी कि मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी राइटेन एज ए मिक्स फ्रैक्शन। हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही किसमें लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में राइट करते हैं। जैसे लिखा है 1/5, ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखा है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी राइटेन, यानी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, राइटेन करते हैं, लिख सकते हैं। जैसे लिखा 1/5, तो इसको कैसे लिखा गया है, 5/5, 5/1, 6, यानी 6/5 को हम राइट किए हैं किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे, 5/5, 1/5, इसी को 6/5 को हम किस में लिखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, यानी कि मिश्र भिन्न में लिखे है। अब एक्सरसाइज से आपको कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जिसमें इसमें दिया गया है एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिसको हम सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। पहला हमारा है एड। एड कैसे करना है, क्वेश्चन दिया गया है 2/3 + 3/1/2। और सबसे पहले ये दिया गया है किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। जब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में बाबू, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6, तो 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 8, तो यहाँ पे राइट कर लिए 8/5, जो डिनोमिनेटर होता है उसको राइट कर लेते हैं, तो कितना डिनोमिनेटर है 3, तो यहाँ राइट कर लिए 3 प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, तो यहाँ पे राइट कर दिए 7/2। अब इसके बाद से इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखेंगे, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है, बराबर है, तो हम इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे। अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे राइट किए 3 और यहाँ राइट किए 2 और इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, इसको इसी तरह राइट कर लेंगे, ये कटेगा 2 × 2 और यहाँ पे 3, ये 1 और ये 1, जब नीचे 1 1 आ गया तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 = 6, इसका कितना आया, 6 आया, एलसीएम कितना आया, 6, तो इसके नीचे बटा करके राइट कर लिए 6। उसके बाद से 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, 6 को डिवाइड किए 3 से, तो कितने बार में हुआ, 3 × 2 = 6, यानी 2 टाइम्स में।
और टू में क्या किए हम, एट से मल्टीप्लाई किए, टू एट जा सिक्सटीन, टू यहाँ राइट किए सिक्सटीन, फिर प्लस तो प्लस यहाँ पे सिक्स को डिवाइड किए टू से, तो टू थ्री जाए सिक्स, थ्री बार में और थ्री सेवन जाए ट्वेंटी वन, तो यहाँ पे ट्वेंटी वन राइट किए, और सिक्सटीन और ट्वेंटी वन को एड करेंगे, जब एड किए तो आया हमारा थर्टी सेवन, तो राइट किए थर्टी सेवन अपन ये सिक्स को सिक्स राइट कर देंगे। और क्या करेंगे, ये जो थर्टी सेवन अपन सिक्स है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, जब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बाबू, तो कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स वन थर्टी सेवन, तो थर्टी सेवन अपन सिक्स आ गया, तो इसको राइट कर लेंगे सिक्स होल वन अपन सिक्स। अब उसी तरह दूसरा हमारा है सबट्रैक्ट, दूसरा हमारा क्या है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करते हैं, ये भी किस में दिया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो जब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको भी हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे यहाँ किए थे वैसे यहाँ भी करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करके इसको एड कर देना है, तो टू में एट से मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो टू एट जा सिक्सटीन, सिक्सटीन वन सेवनटीन, सेवनटीन अपन टू माइनस यहाँ पे एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में फाइव एड करेंगे ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन अपन एट। अब क्या करेंगे यहाँ पे टू और एट का एलसीएम निकालेंगे, हाँ टू और एट का एलसीएम निकाले तो कितना आया एट, और उसके बाद से एट का एलसीएम निकाले टू और एट का तो एट आया, एट को डिवाइड करेंगे हम टू से, कितने से डिवाइड किए टू से, तो फोर टाइम्स में, और फोर में सेवनटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा सिक्सटी एट, तो राइट कर लिए सिक्सटी एट, और सिक्सटी एट और ये माइनस का मार्क लगा दिए यहाँ पे माइनस, और इस एट को डिवाइड करेंगे एट से तो कितने बार में जाएगा वन टाइम्स, और वन टाइम्स गया और वन में ट्वेंटी नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी नाइन, अब क्या करेंगे ट्वेंटी नाइन हो गया, अब इसको इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, एट एट में से नाइन नहीं सबट्रैक्ट होगा, इसमें से कह लिए एटीन, एटीन में से नाइन सबट्रैक्ट किए नाइन, यहाँ पे हो गया फाइव, फाइव में से टू सबट्रैक्ट किए थ्री, तो हमारा हो गया थर्टी नाइन, और थर्टी नाइन अपन कितना एट एट। अब क्या करेंगे थर्टी नाइन अपन एट को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो फोर होल सेवन अपन एट आ गया, कैसे एट फोर जा थर्टी टू, थर्टी टू में सेवन एट किए थर्टी नाइन, थर्टी नाइन अपन एट। अगला हमारा है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, आप लोग जाते ही है, तो हमको गुणा करना है टू अपन नाइन इंटू सिक्सटी थ्री अपन सिक्सटी फाइव इंटू फिफ्टीन अपन फोर्टीन। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो बाबू यहाँ से टू से इस फोर्टीन को कट कराए, टू सेवन जा फोर्टी सेवन, और सेवन से सिक्सटी थ्री को कट कराए, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री नाइन, और नाइन को नाइन से कैंसिल कराए, कितना हुआ वन, और यहाँ पे वन यहाँ वन। अब इसको कट कराएंगे फाइव से, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और फाइव से इसको कटाएंगे फाइव वन जा फाइव, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन। अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ भी वन यहाँ वन यहाँ वन यहाँ भी वन, वन में वन से मल्टीप्लाई किए वन, वन में थ्री से मल्टीप्लाई किए थ्री, तो थ्री अपान, और यहाँ पे हम इसको यहाँ ना लिख कर नीचे लिखेंगे थ्री अपान, वन में थर्टीन से मल्टीप्लाई किए थर्टीन, और थर्टीन में वन से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया थर्टीन, तो हमारा इसका वैल्यू कितना गया थ्री अपान थर्टीन। और इसके बाद अगला हमारा है डिवाइड, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सबसे पहले किस में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे बाबू, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 11 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आएगा, 121 और 121 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 को ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा अपान ये कितना 11 ये डिविजिबल डिवाइड। अब इसको इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, फाइव में ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी, और सिक्सटी में वन ऐड करेंगे सिक्सटी वन अपान कितना फाइव, तो फाइव। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, यहाँ पे वन हंड्रेड ट्वेंटी वन अपान इलेवन इंटू मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे चेंज कर देंगे, जब यहाँ डिजिटल का चिन्ह हटाकर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो नोमिनेटर को डेमिनेटर के जगह, डेमोनेटर को नोमिनेटर के जगह राइट कर लेंगे, यानी 61 अपन 5 को लिख लेंगे 5 अपन 61 ऐसे राइट कर लेंगे, और अगर कोई कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है छोड़ देंगे, तो कोई भी ये कट रहा है 11 से
इलेवन से ये इलेवन टाइम्स में कट रहा है तो इसको कटा देंगे, अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो इसको राइट मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे। तो 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, और यहाँ पे 1 है 1 में 61 से मल्टीप्लाई करेंगे 61, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 55 अपॉन 61। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।